नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। क्या है मुख्यमंत्री सबल योजना जिसकी सीएम सुकू के गृह क्षेत्र नादौन से हो रही है शुरुआत? हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुकू के नेतृत्व वाली सरकार निराश्रित बच्चों के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने साल 2023 के पहले ही दिन सुखाश्रय सहायता कोष का गठन किया और सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रदेश के निराश्रित बच्चों को सरकार हर संभव मदद पहुंचाए। निराश्रित बच्चों जब तक अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी न पा लें तब तक सरकार उनके पालन पोषण का ध्यान रखे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुकू लगातार एक बात दोहरा रहे कि सरकार निराश्रित बच्चों पर कोई एहसान नहीं कर रही है बल्कि यह उनका अधिकार है। सरकार बताएं खनन माफियाओं को कौन दे रहा है इतनी हिम्मत की पुलिस पर हो रहे हमलावर। जनेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कंगड़ा के लंच में अवैध खनन कर रहे माफियाओं को जब पुलिस ने रोका तो वह पुलिस से ही उलझ गया और उनसे ही अभद्रता करने लगे। यह कोई पहला मामला नहीं है जब खनन माफिया ने पुलिस के साथ ही दुर्व्यवहार किया हो। इसके पहले प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से इस तरह की खबरें आए दिन सामने आ रही है। वह सरकार को यह मत बताना होगा कि आखिर खनन माफियाओं में इतना हौसला कहां से आ रहा है, उनकी इतनी हौसला अफजाई कौन कर रहा है, वह कौन इन खनन माफियाओं को सह दे रहा है कि वह पुलिस से उलझने से भी बाज नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माफियाओं का इस तरह मन बढ़ जाना प्रदेश के लिए सही नहीं है। 20 के बाद अलविदा कहेगा मानसून, मौसम विभाग का पूर्वानुमान 8 सितंबर तक हल्की बौछारें। जो हिमाचल प्रदेश से मानसून 20 सितंबर के बाद ही अलविदा कहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पोल ने बताया कि आमतौर पर मानसून 24 सितंबर तक हिमाचल से अलविदा कहता है। इस बार भी 20 सितंबर से पहले मानसून के विदा होने की कोई आशंका नहीं है। वह 20 के बाद कभी भी हिमाचल से मानसून अलविदा कह सकता है। हालांकि प्रदेश में इस महीने अब मानसून धीमा रहेगा, इस दौरान भारी बारिश की कोई आशंका नहीं है। चीन पाक को पीएम मोदी का दो टूक, अरुणाचल या कश्मीर भारत कहीं भी कर सकता है बैठक। जे भारत G20 शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह कुछ ही दिनों में दुनिया के कई प्रमुख नेता भारत आने वाले हैं। वह बैठक का आयोजन 9 से 10 सितंबर को देश की राजधानी दिल्ली में होगा। वह G20 बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा कि भारत द्वारा G20 शिखर सम्मेलन किए जाने से कई साक्षात्कार परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि G20 में अफ्रीका सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि सभी की आवाज़ सुने बिना पृथ्वी की कोई भी भविष्य की योजना सफल नहीं हो सकती। वहीं कश्मीर में हुई G20 की बैठक और इस पर हो रहे ऐतराज पर पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वह चाहे अरुणाचल प्रदेश का कोई हिस्सा हो या फिर कश्मीर, वह भारत कहीं भी बैठक कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि 2047 तक भारत में जातिवाद और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं होगी। उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध के मुद्दे पर भी कहा कि कोई भी समस्या हो उनसे कूटनीति और वार्ता से सुलझाया जा सकता है। सीएम स्टालिन के बेटे का विवादित बयान, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह इसे खत्म करना चाहिए। जे तमिलनाडु सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदय निधि ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर चारों ओर बवाल मच गया है। उनके इस बयान को लेकर हिंदू सेना ने दिल्ली पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। वही बता दें कि उदय निधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करते हुए कहा था कि इसे मिटाना है। वह सनातन उन्मूलन सम्मेलन में बोलते हुए उदय निधि ने कहा था कि मुझे लगता है कि इन कॉन्फ्रेंस के आयोजक ने मुझे विशेष बात कहने का मौका दिया है। आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम सनातन उन्मूलन सम्मेलन रखा है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ चीजें का विरोध नहीं किया जा सकता है और उन्हें सिर्फ खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू मच्छर मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन को खत्म करना होगा। वह सनातन का विरोध करने की बजाय इसे खत्म ही किया जाना चाहिए। रोहड़ू के दरोटी में भीषण अग्निकांड, 9 मकान जलकर राख, 21 परिवारों के 74 लोग हुए बेघर। जे रोहड़ू उपमंडल के नावर टिक्कर क्षेत्र में शनिवार की देर रात को आग ने तांडव मचा दिया है। वह रात्रि करीब 12:30 बजे टिक्कर के दरोटी गांव में एक मकान में आग लग गई। वह सभी मकान लकड़ी के बने हुए थे और आग तेजी से फैलती गई। वह देखते ही देखते एक दर्जन से ज्यादा मकान आग की चपेट में आ गए। इन मकानों में 21 परिवार रह रहे थे। वही आगजनी प्रदीप रांटा की चौथी मंजिल से शुरू हुई और बगल के कई घरों को अपनी जद में ले लिया। वह प्रारंभिक आकलन के मुताबिक इस आगजनी में करीब 2 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है। पंजाब में पटवारियों के सभी खाली पद भरने का ऐलान, पटवारियों से बात के बीच सीएम का फैसला। जे राजस्व अफसरों की जीत के कारण आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी न होनी यकीनी बनाने के लिए अपनी योजना का खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पटवारियों के सभी खाली पद भरने का ऐलान किया। इसके अलावा पटवारियों की हाजिरी बायोमेट्रिक द्वारा लगानी यकीनी बनाई जाएगी। यहां शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोगों की सरकार है और सरकारी अधिकारियों की किसी की हड़ताल के कारण आम आदमी को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में पटवारियों के कुल 3660 पद हैं जिनमें से 1623 पद भरे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने
कहा कि बड़े लोकहित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अब 2037 पद भरने का फैसला किया है और पटवारियों के और पद भी समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत 5 सितंबर को करेगा टीम का ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। जी, भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज होने जा रहा है जो 19 नवंबर तक चलेगा। वह वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली सभी टीमों को 5 सितंबर तक अपनी टीम की घोषणा करनी है। वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड समेत कुछ देशों ने अपनी टीमें घोषित कर दी है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक टीम की घोषणा नहीं की है। इसी बीच खबर आ रही है कि बीसीसीआई अपनी टीम का ऐलान 5 सितंबर को करेगा। वह टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथों में ही रहेगी। वह वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय स्क्वाड में 28 सितंबर तक बदलाव किया जा सकता है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चयनकर्ताओं ने आगामी वनडे विश्व कप के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम फाइनल कर ली है। वह एशिया कप के लिए जो 18 सदस्यीय टीम चुनी गई है, इसमें से 3 खिलाड़ियों का पत्ता कटा है। वह एशिया कप के लिए चुनी गई 18 सदस्यीय टीम के 3 खिलाड़ियों को विश्व कप टीम में जगह नहीं मिली है। वह मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा, तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया है। 4 से 5 सितंबर को हमीरपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम सुक्कू, मुख्यमंत्री सबल योजना का करेंगे शुभारंभ। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू हमीरपुर का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, साथ ही राहत और पुनर्वास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्कू आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी परेशानियों से रूबरू होंगे। वहीं उनके कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार कर लिया गया है। लंपी रोग का कहर दुधारू पशुओं पर भारी, 11 दिनों में 75 मवेशियों की मौत। जी, लंपी रोग हिमाचल प्रदेश में मवेशियों पर काफी कहर बरपा रहा है। वह लंपी रोग के कारण पूरे प्रदेश में बीते 11 दिनों में 75 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि प्रदेश में लंपी रोग के कारण 11,909 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक लंपी रोग के कुल 1,47,007 मामले आ चुके हैं और एक्टिव मामले 808 हो गए हैं। हिमाचल छात्रवृत्ति घोटाला, 8 संस्थानों के खिलाफ जल्द चार्जशीट पेश करेगी सीबीआई, अंतिम चरण में है जांच। हिमाचल के बहुत चर्चित 250 करोड़ से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई जल्द ही 8 संस्थानों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर देगी। वह सीबीआई की जांच अंतिम चरण में है। अब ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। वह ईडी ने 3 दिन पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। वह सीबीआई अब तक छात्रवृत्ति घोटाले में 15 से अधिक संस्थानों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर कर चुकी है। जल शक्ति विभाग में महिला कर्मचारी से मारपीट, तृतीय श्रेणी कर्मचारी निलंबित। जे महिला कर्मचारी से मारपीट के मामले में उपमंडल अर्की के जल शक्ति विभाग में कार्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी के निलंबन कर दिया गया है। निलंबन के बाद कर्मचारी को अपनी सेवाएं बद्ध डिवीजन में देनी होंगी। वह गौरतलब है कि बीते 16 अगस्त को अर्की डिवीजन में कार्य चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी के साथ तृतीय श्रेणी कर्मचारी कृष्ण वर्मा ने किसी बात को लेकर झगड़ा व मारपीट की थी। वही महिला ने थाना अर्की में केस दर्ज करवाया था। उधर अधिशासी अभियंता विवेक कटोज ने बताया कि महिला के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत के आधार पर तुरंत प्रभाव से कर्मचारी कृष्ण वर्मा को अनुभाग बलेरा के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। वह उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट में भेजी गई थी कि जांच के बाद अधीक्षण अभियंता सोलन के आदेशानुसार उक्त कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप सहित पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द। जे सरकारी भूमि पर कब्जे के आरोप में विकास खंड भरोंच की एक पंचायत की प्रधान की कुर्सी चली गई। वहीं आरोप सिद्ध होने पर निर्वाचन अधिकारी ने संबंध पंचायत प्रधान का चुनाव रद्द कर दिया है। इस फैसले को संबंधित प्रधान ने पहले उपायुक्त हमीरपुर, उसके बाद मंडलायुक्त मंडी और अब प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिल पाई। वहीं उच्च न्यायालय ने अभी भी चुनाव याचिका और राजस्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अपील की अर्जी खारिज कर दी है। हिमाचल में नहीं होंगे प्रत्यक्ष चुनाव, मेरिट आधार पर एससीए गठित करने की तैयारी। जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, सरदार पटेल विश्वविद्यालय और इनसे संबद्ध डिग्री कॉलेजों में प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वह चुनाव बहाल करने की मांग के बावजूद इस साल भी एससीए गठन के मेरिट आधार पर ही होगा। वह सूबे के कॉलेज प्राचार्यों से ली राय को आधार मानकर इस बार प्रत्यक्ष चुनाव बहाली नहीं होगी। वह विश्वविद्यालय प्राचार्यों की राय पर अप्रत्यक्ष तौर पर एससीए गठन के फॉर्मूले को बरकरार रखने जा रहा है। वह प्रत्यक्ष चुनाव इस बार भी बहाल न होने से छात्र नेताओं के प्रत्यक्ष चुनाव लड़ने की इच्छा इस बार भी पूरी नहीं होगी। विश्वविद्यालय जल्द ही मेरिट आधार पर एससीए गठन के लिए शेड्यूल जारी करने की तैयारी में है। वह कुछ दिन पहले एचपीयू के कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक में कॉलेज प्राचार्यों से प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल करने को लेकर राय ली गई थी। चलिए वो चलते हैं आज के आखिरी खबर। हिमाचल में मानसून सत्र से पहले दुरुस्त होंगी सड़कें, सीएम ने दिए जल्द बहाली के निर्देश। जो हिमाचल प्रदेश में मानसून सत्र से पहले सभी सड़कें यातायात के लिए बहाल करने की तैयारी है। सत्र में बंद सड़कें मुद्दा न बने, इस मकसद से सभी बंद सड़कों को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वह राज्य सड़कों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर रिटेनिंग बल्ब लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वह लोक निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार से भी सड़कों की मरम्मत के लिए 300 करोड़ रुपये मांगे हैं। हाल ही में केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्ताव भेजने की बात कही थी। वहीं मंडी, सोलन, कुल्लू, शिमला
शिमला और लाहौल स्पीति में 17 पुल टूटे हैं। यहाँ यातायात बहाल करने के लिए 12 बेली ब्रिज लगाए जाने हैं। इसको लेकर भी लोक निर्माण विभाग ने कंपनी को टेंडर जारी कर दिया है। वह सरकार सड़कों को बहाल करने पर फोकस किए हुए हैं। वह नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान अब 90 डिग्री एंगल पर कटिंग नहीं होगी। वहीं NHAI की टीम ने भी NH निर्माण कार्य के दौरान 50 से 70 मीटर तक पहाड़ों की कटिंग करने की सलाह दी है। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।